आप इस उम्र में भी काम कर रहे हैं आपकी इतनी मोटी है ना कि आप इस उम्र में भी काम कर रहे हैं नहीं के आप के बात तो सुने हमने लेने हैं बाबा जी ले लें आपके बनते हैं नहीं लाने हैं मैं बाबा जी ले लें आपके बनते हैं चल ये बंद कर दी ये ले आपके बनते हैं ले लें बाबा जी ले लें आपके बनते हैं मैं तेन अपना मकान का हाल मैं तेन देख के हैरान हो गई संगे मरमर बाबा जी ले लें आपके आया तेन अपना मकान का हाल दिना वही है आप जी ले लें आपके बनते हैं लेंगा भाई तो ससुराल वाले हैं भाई ले लें आपके बनते हैं बाबा जी आप ले लें आपके बनते हैं चलो मुझे आपके ऊपर यकीन है ठीक है आप मेरी तरफ से किसी और को दे देंगे आपको बनते हैं चले अंकल इनकी कोई दुकानें वगैरह हैं किनकी इधर ए अंकल की कौन से अंकल की वो जो सभी जा रहे थे किधर जा रहे थे बेटा ये उनसे जिनकी काफी तेज ऐनक थी अभी जो जिनके पीछे में जा रहा था बेटा मैंने तो देखा ही नहीं हाँ मैंने देखा नहीं भैया आपने देखे हैं वो भाई बेटे पता नहीं उनके बारे में जानते हैं वैसे ही जो जंग बाजार में काम वगैरह करते हैं ये अच्छा इनकी कोई मार्केट वगैरह है यहाँ हाँ बाबा नहीं जेड़ा एक ये जो उनसे अभी अंकल गए ये जिनकी मोटी सी ऐनक है वो ऐनक नहीं वो भी जो उनसे गुजरे नहीं है केड़े बेटे वो भी जो उनसे जिनकी मोटी सारी ऐनक थी वो जो उनसे पौनी बेचते हैं हाँ 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 उनकी कोई दुकानें वगैरह हैं या हैं वो तो सीधे जाके ना अगे एक ऐ गली ना ऐन मुड़ जाना सामने मत्थे जो अगे एंज होके ओदी पर्दी साइड ते ओदियां दुकानां उनकी दुकानें हाँ। ये किस वजह से बेचते हैं ये क्यों बेचते हैं वैसे ही शौक है पुत्र शौक अच्छा अच्छा चले तो मिलते हैं आपको किसी नए वीडियो पे किसी नए ब्लॉग पे थैंक यू फॉर वॉचिंग तो गाइस देखें आजकल की हकीकत मैंने ये उनसे एक पौना लिया मैंने कहा चलो तो उन्होंने ऐसे किया कि मेरे से पौना दे दिया मैंने ज़्यादा पैसे देने चाहा तो उन्होंने नहीं दिए काफ़ी ज़ईफ थे तो पहले आपने क्लिप में देखा होगा तो वो कहते कि मेरे काफ़ी ज़्यादा दुकानें हैं कॉलोनी है लेकिन मेरे से तजाब भी हो गया था इस वजह से मैं इस बीमारी में हूँ कि मेरे से चला नहीं जा रहा आजकल की हकीकत ये है तो